How to fix Samsung M12 call flashlight not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है call flashlight not working problem सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपके जो डिवाइस है उसमें आपने सेट कर रखा है call flashlight, ठीक है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको यह भी कंफर्म करना है कि आपका जो फ्लैशलाइट है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फ्लैशलाइट ख़राब हो चुका है तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर फ्लैशलाइट अच्छा है यहाँ पर फ्लैशलाइट, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपको सॉल्यूशन करना होगा। साथ ही साथ में दोस्तों सेटिंग आपको करना होगा। मैं आपको सॉल्यूशन और सेटिंग दोनों इस वीडियो पर बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, एक बार आप जाइए सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करें, एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप्स ऑप्शन, ठीक है। तो ऐप्स पर जाइए, उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे पर मिलेगा फ़ोन सर्विस, तो उसमें जाइए, स्टोरेज पर क्लिक कीजिए, क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। क्लियर डेटा करने के बाद दोस्तों आपको जाना है परमिशन पर और सारे परमिशन अलाउ कर देना है। सारे परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों डिवाइस को रिस्टार्ट करें। डिवाइस रिस्टार्ट करने के बाद जाइए सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों आपका एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करें, एडवांस सेटिंग पर जाए और फ्लैश नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। उसके बाद चेक करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। प्रीव्यू करके भी आप देख सकते हैं। तो ये सेटिंग दोस्तों अगर आप ऑन करते हैं तब जाके आपका कॉल फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बाय एनी चांस दोस्तों इतना सॉल्यूशन करके भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है, तो आप जाइए दोस्तों यहाँ पर सेटिंग पर दोबारा से जनरल मैनेजमेंट को ओपन करें, उसके बाद रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, रीसेट ऑल सेटिंग पर जाके कंप्लीट सेटिंग को एक बार रीसेट कर दीजिए, ठीक है। रीसेट सेटिंग पर दबाइए, अपने मोबाइल पैटर्न पासवर्ड जो भी है वो भर दीजिए और चेक करके देखिए मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए, और अपना सेटिंग को भी चेक करें ऑन है या ऑफ है। ऑन होना चाहिए आपका सेटिंग, और उसके बाद आपका कॉल फ्लैशलाइट काम कर जाएगा और प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। बाय एनी चांस अगर आपको अभी भी दिक्कत आते तो आप अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। मोबाइल सॉफ्टवेयर दोस्तों जैसे अपडेट होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि प्ले स्टोर में जाके भी दोस्तों आपको कॉल फ्लैशलाइट का एप्लीकेशंस मिल जाएगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने बहुत ट्राई किया फिर भी नहीं हो रहा है तो आप ये भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं, कॉल फ्लैश आप यहाँ पर देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो कई ऐसे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएगा जिसके मदद से आप कॉल फ्लैशलाइट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।